गैंगस्टर नीरज बवानिया के जेल से बाहर आने के आसार बढ़ गए हैं। बवानिया 8 साल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। वो मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 के केस में बुधवार को बरी हो गया है। फिलहाल उस पर सबसे बड़ा मुकदमा जेल वैन में हुआ डबल मर्डर है, जिसमें अभी भी गवाही चल रही है। वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बवानिया अब जमानत की कोशिश करेगा। अगर बेल नहीं मिली तो पैरोल मांगेगा। बवानिया पर मर्डर और जबरन वसूली समेत 2 दर्जन से ज्यादा केस हैं, जिसमें से 6 केसों में बवानिया को जमानत मिली है, जबकि 2 में सजा पूरी कर चुका है। नीरज पर 25 अगस्त 2015 का जेल वैन में हुआ डबल मर्डर है। पुलिस का दावा है कि नीरज और उसके गैंग ने इसे यूपी के गैंगस्टर सुनील राठी के इशारे पर किया था। पुलिस से AK-47 और SLR लूटे गए थे। वहीं स्पेशल सेल ने 23 फरवरी 2015 को नीरज, उसके भाई पंकज सहरावत, नवीन बाली, राहुल काला, पूर्व विधायक रामबीर शौकीन समेत 10 लोगों पर मकोका लगाया था। स्पेशल सेल ने 7 अप्रैल 2015 को इस मामले में नीरज को अरेस्ट किया था और इससे AK-47 और SLR रिकवर किए थे। वहीं कोर्ट ने सितंबर 2016 में आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की सजा भी सुनाई थी, जो फिलहाल पूरी हो चुकी है। वहीं पुलिस को आस है कि जेल वैन में नीतू दाबोदिया गैंग से पारस और प्रदीप की हत्या में नीरज को सजा होगी। चश्मदीद गवाह खुद पुलिसकर्मी है, जिनके मुकरने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल गवाही जारी है, जिसकी 25 अगस्त को डेट थी और अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। और वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीरज अब जमानत या पैरोल लेने की कोशिश करेगा।